उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 23 मार्च यानी कल दोपहर को देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शिरकत करेंगे। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे, वो भी कल देहरादून में होंगे। उत्तराखंड में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है और लगातार दूसरी बार पुष्कर धामी उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लिहाजा जश्न का दौर जारी है। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ सीएम धामी के शपथ की तैयारियां भी खास हो रही हैं। इस बार शपथ ग्रहण राजभवन की बजाय देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। सीएम धामी कल दोपहर 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जैसे वीआईपी भी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। देख सकते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में इस समय किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। सारा प्रशासनिक अमला यहां पर लगा हुआ है, मंच यहां पर सजाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावनाएँ हैं। यहाँ पर 3 मंच बनाए जा रहे हैं। पहला जो मंच होगा, जो बीच में जो मंच है, उसमें खुद मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के जो भी मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। उसके बाद दूसरा एक मंच है, वहाँ पर साधु संतों के आने की संभावनाएं हैं। और एक तीसरा मंच है, उस पर अन्य वीआईपी के रहने की संभावनाएं हैं। करीब 20,000 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और अलग अलग तरीके की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। एक जो मुख्य द्वार बनाया गया है उसमें से जो है आम जनता यहाँ पर शामिल होगी। अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए लोग, जिनमें कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी से लेकर महिला वर्ग हैं और पूर्व सैनिक हैं, ये सभी लोग यहाँ पर उनके आने की संभावनाएं हैं। जानकारी के मुताबिक इस शपथ ग्रहण में 25,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी और कई वीआईपी भी पहुंचने वाले हैं, लिहाजा अब देहरादून में एसपीजी और पुलिस अलर्ट पर है। फोर्सेस की अगर बात करें तो करीब 1,000 के जो करीब जो है फोर्सेस यहां पर लगाई जाएगी। रूट डाइवर्ट रहेगा इधर से जो परेड ग्राउंड की तरफ आने का रूट है, और यहां पर हेलीपैड भी एक बनाया जा रहा है। जो भी वीआईपीज यहां पर आएंगे उनके लिए ये जो हेलीपैड यहां पर बनाया जा रहा है, इस हेलीपैड पर ही जो है यहां पर हेलीकॉप्टर उनका लैंड होगा। उसके बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहां पर मंच पर आने की व्यवस्था की जाएगी। परेड ग्राउंड में हेलीपैड बनाए गए हैं जहाँ वीआईपी मेहमानों की सीधी लैंडिंग होगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो है, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है तो सेट प्रोटोकॉल से एसपीजी द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसके अनुसार जो भी कार्रवाई करनी होती है वो हम करते हैं। बाकी जितने भी महानुभाव हैं उनके लिए उनके रिसीविंग की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो तैयारियां तेजी से चल रही हैं और सबको इंतजार है सीएम पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।